नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अभी हम मौजूद हैं सीएम सिटी गोरखपुर में और यहां सातवें चरण में 1 जून को मतदान होना है। एक तरफ गठबंधन से काजल निषाद हैं तो दूसरी तरफ वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन शुक्ला मैदान में है। अभी हम गोरखनाथ मंदिर से महज 50 मीटर दूर पे है और ये बालाजी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे शाम और सुबह को काफी भीड़ लगती है। लोगों से जानकारी लेंगे कि यहाँ क्या माहौल है और कौन सांसद बनने वाला है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। ठीक, यहाँ क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है, कौन सांसद बनेगा इस बार? माहौल तो बीजेपी का ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि योगी जी का ये शहर है जहाँ से वो कई बार सांसद रहे हैं और उसके बाद जाके वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। फिलहाल के लिए रवि किशन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। जहाँ तक देखा जाए तो लोग से जो होता है, पब्लिक से जुड़ाव होना, सबकी समस्या को देखना, तो वो सब वो देख रहे हैं। और जैसा कि अभी माहौल आप बता रहे हैं तो मैं विभिन्न जगहों पर विजिट करता हूँ, जैसे कि कुराघाट हो गया और उसके अलावा नौका विहार हो गया, तो वहाँ पे यही है कि बीजेपी का जो है सर्वसम्मति लग रहा है। अच्छा, रवि किशन का कौन सा सबसे अच्छा काम आपको लगा है? उनका क्या है ना कि वो पहले से ही अभिनय के क्षेत्र में है, तो पब्लिकों के बीच जाना और पब्लिकों का जो मुद्दा वो होता है वो सांसद भवन में भी वो उठाते हैं। आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, योगी का गढ़ माना जाता है, कैसे देखती है मुकाबले? मुकाबला आप देख सकते हैं, पीछे मेरी जनता ही मुकाबला कर रही है, क्योंकि काजल निषाद चुनाव नहीं लड़ रही है, गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात, हम सभी, मैं और मेरा पूरा निषाद समाज शीर्ष नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि काजल निषाद चुनाव नहीं लड़ रही है, निषाद समाज चुनाव लड़ रहा है। निषाद समाज का मान प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है, एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी आवाज काजल निषाद ने उठाई है। तो काजल निषाद नहीं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, इन लोगों का भविष्य चुनाव लड़ रहा है। देखा जाए मैडम, विकास के मुद्दे पे लगातार आप भाजपा को घेर रही हैं, तो गोरखपुर में कितना विकास हुआ है? अब आप देखते हुए लाइव में दिखाऊंगी। यही देखिए, नालियों साफ सफाई हुई है, अगर आप दिखा सकते हैं यहाँ की नालियों की जो साफ सफाई हुई है, कूड़ा कचरा हर जगह, मवेशी जानवर छोटे पशु घूम रहे हैं, का विकास हुआ है बताइए खुद। निषाद, गोरखपुर निषादों का गढ़ माना जाता है और निषाद परिवार से बिलोंग रखने वाली आप है, महिलाओं को कैसे मोटिवेट कर रही है? महिलाओं को मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं, खुद हमको कह रही, अरे हमारा करेजा आ गया, अरे हमारी बहनी आ गई, अरे दादा काजल निषाद आ गए, अरे करेजा तो ही के वोट देव, तो खुद ही मुझे प्यार आशीर्वाद दे। देखिए, ये देखिए नगर निगम के अधिकारियों की बेईमानी देख लीजिए, देखिए।